अपना एक देश, ये भारत की परंपरा है, जो सामाजिक समरसता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, कितनी कोशिश कर लो आपकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। धर्मांतरण के प्रोजेक्ट रखे जा रहे हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप साफ कहना चाहता हूं, लोभ लालच भय प्रलोभन, अरे करना तो सेवा करो ना, ये धर्म परिवर्तन के लालच में सेवा क्यों करते हो। मध्य प्रदेश में हमने कानून बना दिया है लोग लालच भय प्रलोभन में अगर कोई धर्मांतरण करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा भी होगी, उस पर जुर्माना भी होगा, भोले भाले लोगों को बहकाने की कोशिश की जाएगी, लगातार रहने को प्रयास किए जा रहे। मेरे बहन और भाइयों, एक खतरा और है जिससे मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, हम सब भारत माँ के लाल भेदभाव का काम हो रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं कि जनजाति परंपरा हमारे यहां अनादिकाल से चली आ रही है, उस परंपरा को हम बना रखें, जीवन मूल्यों को बना रखें, और एक बात सुन ले साहब, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया मैं गरीब और जनजाति भाई बहनों का शोषण किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, यह हमारा संकल्प। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण भी मिले कि कैसे भी प्रयास करके बेटी के साथ शादी कर ली जाए, और ऐसे उदाहरण भी मेरे सामने सामने आए कि शादी कर लो, नाम भी मत बदलो, पंचायत चुनाव लड़वा दो और फिर पंचायत के संसाधनों पर कब्जा कर लो। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा किसी भी कीमत का विषय, उसके लिए आप कानून बना रहे, ये देश को तोड़ने का समय, ये देश को बांटने का समय, ये किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे।